तो वहीं विदिशा में ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी मोनिका शुक्ला को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार ट्रकों के सामान चोरी हो रहे हैं, कुछ ट्रक भी चोरी जा चुके हैं। बीती रात मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में ट्रक में से बैटरी निकालते समय 3 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन आज सभी चोरों को पुलिस ने छोड़ दिया है। इसको लेकर एसपी से लिखित शिकायत की गई है। देखिए रिपोर्ट। कल हमने गल्ला मंडी से 3 चोर पकड़े थे, चोर पकड़ के हमने देहात थाने में दिए, लेकिन अभी हमें सुबह जब पता करने गए तो वो तीनों को छोड़ दिया गया था। इसलिए मैम से शिकायत करनी है कि चोर पकड़ते भी हमें और इसके बाद हम कार्रवाई थोड़ी हम उनके ऊपर करेंगे। तो हमारी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैडम ने बहुत हमें सहयोग किया कि अभी आप जाके FIR करो और पकड़ाएंगे। क्या मामला था, किस चीज़ की चोरी? ट्रक की चोरी कर रहे थे और जैक ले गए, पाने ले गए और इसके बाद बैटरी खोल रहे थे। जब हमारा कोई बंदा आ गया, मंडी वालों ने पकड़ा कहते थे, तो और फिर पकड़ के उनके दिए, पुलिस को फोन किया, 1 घंटे बाद तक आई पुलिस, इसके बाद वो लेके गया। ये आए दिन की स्थिति है या फिर नहीं? पहले भी 2 बार दे चुके हम ये, पिछले 6 महीने में कम से कम 5 लाख रुपए की चोरी, 7-8 लाख की चोरी हो चुकी है। मतलब मंडी से गाड़ी तक भी जा चुकी है, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।